हेलो फ्रेंड्स, मैं बनाने जा रही हूँ छोले की चटनी, ताजे ताजे छोले। फ्रेंड्स, इनको पत्थर पे पीस के बनाते हैं छोले की चटनी को और चटकारे लेके खाते, और आप भी जरूर बनाना। जीरा और मैं नमक को पीस लूंगी। इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाल लिया, इससे पीसने में आसानी होगी। पीस चुकी हैं ऑलमोस्ट। अब मैं छोले पीसूंगी। मेरे थोड़ी चटनी ज़्यादा है इसलिए मैंने हरी मिर्च और नमक ज़्यादा लिया था, और इसमें अभी मिक्स भी नहीं होएगी, डोंगे में मिक्स करती हूँ। मैंने अपनी हरी मिर्च निकाल दी है, अब मैं छोले डालूंगी थोड़े करके। मैं छोले पीस लेती हूँ। सारे छोले पिस चुके हैं, इनको निकाल लेती हूँ। धनिया पीस लूँगी, बस फिर मेरी चटनी तैयार हो जाएगी दही मिला के। वैसे तो मिक्सर ग्राइंडर में भी पिस जाती है, पर उसमें वो टेस्ट नहीं आता है जो हाथ से पीस के। और ये इतनी ज़्यादा थी ना, मेरी इसने हालत ख़राब कर दी। फिर से नाक चढ़ गया। क्या हो गया? नाक चढ़ गया। धनिया पीस चुका है, धनिया पीस चुका है मेरा। धनिया भी निकाल लेती हूँ मैं। मैंने थोड़ी दही मिला दी है। ऐसा तो मिक्सर में भी पीस जाती है, लेकिन इसमें थोड़ा दरदरा टेस्ट आता है ना, तो स्वाद लगती है। ये चटनी तैयार है हमारी, और जिसको छोंक लगवा के खानी है वो छोंक लगा के खा सकता है, और ऐसे खानी है तो ऐसे खा सकता है। इसमें मैंने थोड़ा सा छोंक लगा दिया है प्याज और जीरे का, और ये मेरी सिंपल वाली चटनी, जो कच्ची चटनी मैंने पत्थर पे पीसी थी, उसके बाद मैंने इसमें छोंक बना के डाला है, प्याज और जीरा पका के डाला है। तो आप भी ऐसे बनाना, पत्थर की चटनी का टेस्ट अलग ही होता है। आप पत्थर पे पीस के बनाना तो आपको पता चलेगा कितनी टेस्टी चटनी बनती है।